मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो आज इस वीडियो में हम दोबारा से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं स्पोर्ट्स बुलेटिन, जिसमें हम बात करेंगे सभी लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज के बारे में आप सभी के साथ। तो चलिए पहले इंट्रो हो जाए, फिर उसके बाद अपनी स्पोर्ट्स बुलेटिन शुरू करते हैं। शुरुआत हम करेंगे बैडमिंटन से। तो आज बैडमिंटन में इंडोनेशिया मास्टर्स 2021 का सेमीफाइनल्स था, जिसमें भारत की ओर से दो शटलर्स एक्शन में नजर आए। जी हां, एक तरफ नजर आई वुमेन सिंगल्स में पीवी सिंधु, वहीं मेन सिंगल्स की बात की जाए तो उसमें दिखाई दिए किदंबी श्रीकांत। पहले मुकाबले की बात की जाए तो वो रहा पीवी सिंधु का सेमीफाइनल्स, जिसमें उनका मुकाबला था जापान की शटलर अकाने यामागुची से। ये मुकाबला एक तरफा रहा अकाने के लिए। जी हाँ, पीवी सिंधु को इस सेमीफाइनल्स में स्ट्रेट सेट्स में हार का सामना करना पड़ा और वो इस सेमीफाइनल्स को 13-21, 9-21 से हार गई और यहीं से उनका सफर खत्म हो गया। वहीं अगर मेन सिंगल्स के सेमीफाइनल्स की बात करते हैं तो उसमें नजर आए किदंबी श्रीकांत, जिनका मुकाबला था वर्ल्ड नंबर 3 डेनमार्क के शटलर एंडर्स एंटनसन से। बात की जाए तो ये मुकाबला भी एक तरफा रहा और स्ट्रेट सेट्स में ही किदंबी को भी हार का सामना करना पड़ा और वो इस मैच को 14-21, 9-21 से हार गए और उनका भी सफर यहीं खत्म हो गया। यानी कि दोनों भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों में से कोई भी फाइनल्स में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाया। और कल के दिन आप सभी को इन्हीं दोनों कैटेगरीज की अगर हम बात करते हैं तो फाइनल्स में नजर आएंगे विमेन सिंगल्स में दिखाई देगी अकाने यामागुची और कोरिया की खिलाड़ी अनसे यंग। वहीं अगर बात की जाए मेन सिंगल्स के फाइनल्स की तो उसमें मुकाबला होगा एंटनसन वर्सेस वर्ल्ड नंबर 1 केंटो मोमोटा। तो काफी एक्साइटेड ये मैच जरूर होने वाले हैं और अगर आप देखना चाहेंगे तो आप इन्हें स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और स्टार पर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए, ये थी बैडमिंटन से जुड़ी हुई खबर। अब बढ़ते हैं अपने अगले खेल की ओर, जो कि रहने वाला है चेस। तो 18 वर्षीय और भारत के यंग ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने एक और अचीवमेंट अपने नाम कर लिया। जी हाँ, वो पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने टाटा स्टील चेस रैपिड फायर का जो टाइटल है वो अपने नाम किया, जो कि कोलकाता में कराई गई थी फ्राइडे की दिन यानी कि कल। और इसी के साथ उन्होंने ये जो टाइटल है अपने नाम करते हुए एक और काफी बड़ी अचीवमेंट अपने नाम कर ली है, जो कि काफी बड़ी बात है इस भारत के यंग ग्रैंड मास्टर के लिए। तो काफी ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस अर्जुन के लिए हमारी तरफ से। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जो कि जुड़ी हुई है स्कीइंग से। के स्कीयर आरिफ खान, जो कि कश्मीर के रहने वाले हैं, वो पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जी हाँ, और आरिफ खान आप सभी को विंटर ओलंपिक्स के स्नोबोर्डिंग इवेंट्स और एल्पाइन स्कीइंग इवेंट्स में भारत को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आने वाले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में आरिफ खान काफी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले खेल की ओर, जो कि रहने वाला है क्रिकेट। तो क्रिकेट से जुड़ी हुई काफी सारी खबरें सामने आ रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे सीनियर वुमेन्स वनडे ट्रॉफी के फाइनल से जुड़ी हुई खबर को लेकर। जी हाँ, इंडियन रेलवेज टीम, जो कि मिताली राज की अगुवाई में खेलती हुई नजर आई, उन्होंने इस ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। कर्नाटका की टीम को उन्होंने 8 विकेट से हरा कर ये टाइटल अपने नाम किया और काफी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उन्होंने ये जो सीनियर वनडे ट्रॉफी का जो खिताब था वो अपने नाम कर लिया है। वहीं अगर हम दूसरी खबर की बात करते हैं तो वो जुड़ी हुई है आईपीएल से। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने कंफर्म कर दिया है कि आईपीएल 2022 भारत में ही होने वाला है। वहीं अगर अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो वो जुड़ी हुई है वुमेन बिग बैश लीग से। बात करते हैं तो वुमेन बिग बैश लीग के जो अहम मुकाबले हैं यानी कि सेमीफाइनल्स और फाइनल्स काफी नजदीक आते जा रहे हैं और आज हम इस खबर में पॉइंट्स टेबल की ओर एक नजर डालेंगे कि कौन सी टीम किस पायदान पर खड़ी हुई नजर आ रही है।
बात करते हैं तो पॉइंट्स टेबल में टॉप करती हुई नजर आ रही है पर्थ स्कॉचर्स, जिसने अपने नाम अभी तक 13 मैचेस में 18 पॉइंट्स कर लिए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर बनी हुई है रेनेगेड्स, जिसके भी 18 पॉइंट्स ही है लेकिन उन्होंने एक ज्यादा मैच खेला हुआ है यानी कि 14। वहीं अगर तीसरे पायदान की बात करते हैं तो उस पे खड़ी हुई है ब्रिस्बेन हीट और 17 पॉइंट्स के साथ वो नंबर 3 पे बनी हुई है। बाकी सभी रैंकिंग्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन सी टीम कौन से पायदान पे बनी हुई है। वहीं अगर क्रिकेट से जुड़ी आखिरी खबर की अगर हम बात करते हैं तो वो जुड़ी हुई है न्यूजीलैंड टूर ऑफ इंडिया से, जो जैसे कि आप सब जानते हैं कि T20s खेले जा रहे हैं दोनों देशों के बीच और दो T20s हो भी चुके हैं, पहला जयपुर दूसरा रांची, और भारत ने दोनों T20 मुकाबलों में जीत हासिल कर ली है, जिसके साथ ये जो आप बोल सकते हैं T20 फॉर्मेट की जो सीरीज है वो भारत ने अपने नाम कर लिया है काफी ही बेहतरीन और बढ़िया तरीके से। 2-0 अभी तक हो चुके हैं और अब T20 का तो नतीजा एक तरीके से निकल चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि टेस्ट में दोनों टीम्स किस तरीके का प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी, जैसे कि न्यूजीलैंड की टीम को टेस्ट से केन विलियमसन भी ज्वाइन करने वाले हैं। तो चलिए ये थी क्रिकेट से जुड़ी हुई खबर, अब बढ़ते हैं हम स्पोर्ट्स बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर जो कि जुड़ी हुई है बास्केटबॉल से। इंडियन बास्केटबॉल टीम ने सभा चैंपियनशिप 2021 जो कि ढाका में खेली जा रही थी बांग्लादेश को फाइनल्स में हरा कर ये टाइटल अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, छठी बार ये हुआ है कि भारत ने टाइटल अपने नाम किया है। वहीं भारत ने फाइनल्स में बांग्लादेश को बिल्कुल एक तरफा तरीके से हरा दिया, 65 पॉइंट से भारत ने बांग्लादेश को हराया। अगर हम प्रॉपर फाइनल स्कोर की बात करते हैं तो वो रहा 106-41। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा गैप था दोनों टीम्स के स्कोर्स के बीच। तो काफी ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडियन बास्केटबॉल टीम फॉर दिस अमेजिंग विन ओवर बांग्लादेश इन दिस चैंपियनशिप 2021। तो चलिए ये थी हमारी आज की सारी स्पोर्ट्स न्यूज आप सभी के लिए, जिसमें मुझे उम्मीद है कि मैंने ऑलमोस्ट सारी लेटेस्ट न्यूज आप सभी के लिए कवर अप कर दी है। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही ऐसी स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए आप सब हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। तो फिर जल्दी मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सब जुड़े रहिए आपके अपने चैनल आपकी बैठक के साथ। सो थैंक यू एवरीवन।